आइडिया बना रहे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 मई को सीतापुर के लहरपुर में प्रस्तावित गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में बीजेपी कर सकती है बड़ा धमाका, जिसमें समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के बीजेपी में शामिल होने की खबर मिल रही है। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आइडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। जी सर, बताएं क्या पूरी जानकारी है, क्या इसके सियासी मायने हैं? सर देखिए अरुणेश, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को आखिरी दौर तक बड़ी मजबूती से लड़ना जानती है। कई चुनाव वो जीतती आ रही है, तो उसे पता है कि कैसे चुनाव को फतेह किया जाता है। और यही कारण है कि सीतापुर संसदीय सीट पर तीसरी बार कमल खिलाने के लिए हर दौर अपनाना चाहती है, हर हथकंडे अपनाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत 2 मई से विधिवत होने जा रही है। 2 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लहरपुर में एक विशाल जनसभा है, और यहाँ पर खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को बड़ा डंट लगाने जा रही है, बड़ा यानी कि चोट पहुंचाने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को मंच पर बुलाकर शामिल किए जाने की खबर आ रही है। अब सबको उत्सुकता होगी कि आखिर समाजवादी पार्टी का ये बड़ा नेता कौन है। तो आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास एकमात्र यादव नेता के रूप में महेंद्र यादव हुआ करते थे, जो पार्टी के विधायक रहे हैं बिस्वा से। अब वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं सीतापुर से। तो इसकी भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के रूप में जितेंद्र यादव पर जो है पूरा फोकस कर रखा हुआ है। और जितेंद्र यादव जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमित शाह के मंच पर जितेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी शामिल कर सकती है। और भी आपको बता दें, जितेंद्र यादव चूंकि जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके तमाम समर्थक हैं जिले भर में। तो खबरें ये भी आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर बिस्वा और सकरन इलाके के जो प्रधान हैं, वो भी उनके साथ होंगे। तो ये बड़ा धमाका भारतीय जनता पार्टी 2 मई को अमित शाह की रैली में करने जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं जितेंद्र यादव, और इनके पिता पूर्व विधायक रामपाल यादव, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, इनकी कभी तूती बोलती थी। आपको बता दें कि सीतापुर के लिए मिनी शिवपाल कहे जाते थे, और कुछ दिनों के लिए भारतीय जनता पार्टी में भी रामपाल यादव गए थे, लेकिन वो वापस आ गए थे समाजवादी पार्टी में। फिर उनका हाल ही में निधन हुआ, और उसके बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जितेंद्र यादव हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में जितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से जो है अपना भविष्य नहीं मान रहे हैं, बल्कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में नया दौर चलाना चाह रहे हैं, नया भविष्य तलाशना चाह रहे हैं। और वो जो है सांसद राजेश वर्मा से प्रभावित होकर उनके समर्थन में अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सीतापुर की राजनीति के राजेश वर्मा चाणक्य कहे जाते हैं, और उन्हें अगला दांव चलना आता है। अब तक जितने चुनाव हुए हैं, तो अपने चुनाव को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा दांव जितेंद्र यादव के रूप में चलने जा रहे हैं। जितेंद्र यादव की खबर ये आ रही है, उनके समर्थकों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वो 2 मई को जब अमित शाह लहरपुर चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे, तो वो शामिल होंगे। तो ये पूरी जानकारी है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि सीतापुर में बड़े नेता जितेंद्र यादव देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, 2 मई को सीतापुर के लहरपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। आइडिया लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। कल जनसभा की विशाल कवरेज जो होगी, वह भी हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। आप ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रह सकते हैं आइडिया के साथ। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।